युवराज इलेक्शन में पहली बार खड़ा हो रहा है, कहीं कोई गलती नहीं होनी चाहिए। हमारी पार्टी का यूथ लीडर होने के नाते उसने आज तक जितने भी काम किए हैं, मेक श्योर के इलेक्शन कैंपेन में वो सब काम पब्लिक को बढ़ चढ़कर पता होने चाहिए। पब्लिक शुड नो अबाउट हिम। इज दैट क्लियर? यस सर। ऑल द बेस्ट युवराज, तुम्हारी जिंदगी की नई इनिंग शुरू हो रही है। दिस इज पॉलिटिक्स। किससे बात करनी है, क्या बात करनी है, इन सब बातों का तुम्हें ध्यान रखना होगा। यू जस्ट कांट गो रॉन्ग। क्लियर? राइट। राधेश्याम सर, बाहर कोई काव्या मैडम आई है, युवराज सर से मिलना चाहती है। काव्या, वो केटी कॉलेज से आई है, यूथ मैगजीन के लिए इंटरव्यू चाहिए। वेरी नाइस युवराज, इसी तरह यूथ के साथ अपना कनेक्ट ज्यादा से ज्यादा बढ़ाते जाओ, क्योंकि यही वो लोग हैं जो आगे चल के तुम्हें इलेक्शन जिताएंगे। गुड, ठीक है, ओके, चलिए रात डिनर पे मिलते हैं। मिस्टर खन्ना से कितने बजे मिलना है? 7 बजे का अपॉइंटमेंट है। एक बात का ध्यान रखना। जी सर। मिस्टर खन्ना को काव्या, हाय। ओप्स, सॉरी, वो सर, मैं काव्या, थैंक यू सो मच, आपने मुझे सर, वो एसी बंद हो सकता है? ओ या, राइट। इफ यू वांट मेरी गाड़ी तुम्हें घर छोड़ सकती है, तुम कल आराम से आ जाना। नहीं नहीं सर, मैं ठीक हूँ, थोड़ी सी भीग गई हूँ, बट प्लीज मुझे वापस मत भेजिए। ओके ओके, डोंट कॉल मी सर, कॉल मी युवराज। तो तुम्हें इंटरव्यू चाहिए? एक्चुअली इंटरव्यू से कहीं ज्यादा, क्योंकि मुझे लगता है ना कि 1-2 हज़ार शब्द के आर्टिकल्स किसी भी इंसान के साथ या उसकी सोच के साथ जस्टिस नहीं करते। एंड अगर किसी इंसान को समझना होगा तो एक पेज के इंटरव्यू से क्या होगा, एंड स्पेशली तब जब वो इंसान हमारा आज का यूथ आइकॉन युवराज सिंह हो। युवराज, क्या मैं इस हफ्ते ज्यादा से ज्यादा समय आपके साथ स्पेंड कर सकती हूँ, ताकि मैं आपके बारे में, आपकी लाइफस्टाइल के बारे में, आपकी लाइफ से जुड़ी हर इंटरेस्टिंग स्टोरी को डिटेल में लिख सकूं? Well, honestly, ये youth icon and all are all big words. अभी इलेक्शन के चक्कर में मैं काफी बिजी हूं, तो अब डोंट वरी, मैं आपको बिल्कुल भी बॉदर नहीं करूंगी। आपका यूथ के साथ कनेक्ट, आपके हॉबीज, आपके इंटरेस्ट, यू नो, कन्विंस हो चुका हूं। रियली? तुम कल आ सकते हो? ओह माय गॉड, थैंक यू सो मच। इट्स ओके, सो मच। आई सी यू टुमारो। श्योर। सॉरी, वो एक्सट्रीमली सॉरी, इट्स ओके, दोबारा नहीं होगा, वो आज मैं थोड़ी एक्स्ट्रा नर्वस थी। थैंक यू, टेक इट इजी। सॉरी सर, ये आपका था। ये टॉवल तुम ले जा सकती हो। सॉरी, 3 महीनों से चक्कर लगा रही हूँ, बहुत परेशान हूँ, मेरा काम करवा दीजिए। देखिए, अब रोइए मत, मैं आपकी बात का सलूशन निकालूंगा, आप रोइए मत प्लीज। अरे नहीं नहीं, आप क्या कर रही हैं, मैं आपसे बहुत छोटा हूँ और मैं आप पे कोई एहसान नहीं कर रहा हूँ, ये काम बहुत पहले हो जाना चाहिए। खुश रहो बेटा। इरफान, आपको धन्यवाद सर।
चुकी। काव्या एक प्रॉब्लम है, मैं आज काफ़ी बिजी हूँ, मेरे शेड्यूल के हिसाब से सारा काम ऑफिस के बाहर है, तो आज मैं तुम्हें टाइम नहीं दे पाऊँगा। थैंक यू। या फिर एक काम कर सकते हैं, इफ़ यू ओके यू कैन अकंपनी मी, मैं अपना काम करता रहूँगा, तुम अपनी रिसर्च करते रहना, और जब समय मिले गाड़ी में तुम अपने सवाल पूछ सकती हो। श्योर सर, व्हाई नॉट, मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकती है, मुझे तो बस आपके साथ रहना है और एक इनडेप्थ फीचर देखना है। आई लाइक द पैशन यू हैव। थैंक यू। Are you okay? Sorry. How inspiring. आप 24 घंटों में 48 घंटे का काम कैसे कर लेते हैं? वैसे आई एम सरप्राइज्ड, इतनी इंपॉर्टेंट पोजीशन पर होने के बावजूद भी नो सिक्योरिटी। यू वॉन्ट बिलीव, मैंने आपसे आधे इंपॉर्टेंट लोगों को भी चार चार बॉडीगार्ड्स के साथ घूमते देखा है। you know, मुझे लगता है बॉडीगार्ड हमें लोगों से दूर कर देते हैं, और जब तक मैं उनको समझूंगा नहीं, उनसे मिलूंगा नहीं, मैं उनकी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर पाऊंगा। स्टॉप द कार, ड्राइवर गाड़ी रोको। मोहन गाड़ी रोको। स्टॉप, मोहन गाड़ी रोको। अरे युवराज सर, क्या हुआ है? आई ओके? सर मैं पुलिस को फोन किए देता हूँ, आजे आप प्लीज घर जाइए, मैं तो हैंडल कर लूँ। पर क्या आप इन्हें सेफली घर तक पहुँचा देंगे? मैम आप चिंता मत कीजिए, मैं इन्हें घर छुड़वा दूँगा। मैंने घर आइए, आप अंदर आइए। चलिए काव्य, कम कम, इट्स ओके, कम। आर यू ऑल राइट? वैसे व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज, तुम तो लेडी दबंग निकली है। पता नहीं क्यों, जब भी मैं किसी लड़की के साथ ऐसी बदतमीजी होते हुए देखती हूँ तो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाती। I can tolerate anything but not this. हर लड़की इज्जत की हकदार होती है, और कभी किसी लड़की के साथ इस तरह बदतमीजी होती है या उसका फायदा उठाया जाता है तो it's terrible. I can't take it. क्या हुआ? मेरी इयररिंग। शायद रोड पे गिर गया होगा। अरे क्या हुआ मोहन? सर लंबा चक्कर लगता है, मैकेनिक को बुलाना पड़ेगा। एक सेकंड मैं कॉल करके देखता हूँ। अरे यार मेरे फोन में तो नेटवर्क नहीं आ रहा है, यू गेटिंग नेटवर्क? माय फोन इज डेड। आते वक्त रास्ते में मैंने एक मैकेनिक का गैरेज देखा था, करीब 2-3 किलोमीटर पीछे, मैं उसे बुला कर लाता हूँ। लेकिन सर आप यहाँ पर अकेले रहेंगे तो?
अरे मैं अकेले गाऊँ, मेरे साथ ये है ना लेडी दबंग, किसी ने मुझे छेड़ा तो उसकी धज्जियाँ उड़ा देगी। आप टेंशन मत लो, मैकेनिक को बुला के लाओ। ठीक है सर, जल्दी आना। ओके। Are you thirsty? There's some water in the car. मैं गाड़ी में पानी, मैं पानी लेके। एक्चुअली पानी तो नहीं है बट तुम्हें चोट लगी हो, तुमने बताया भी नहीं। एक मिनट, मैं फर्स्ट एड लेकर आ रही हूँ। You know it's not required. छोटा सा ही कट है। Please let me just do this. It's okay. Yeah, thanks. Are you cold? I'm fine. No, it's okay. No, it's okay. तुम्हें ठंड लग रही है? I'm fine. No, it's okay. Take. कलर भी मैच कर। थैंक यू। आई विश इस मौसम में गर्मा गर्म अदरक वाली चाय मिल जाए। इस समय? इस समय वो भी यहाँ? ओह माय गॉड, आई डोंट बिलीव दिस। भैया दो चाय। ओह माय गॉड, काश तुमने कुछ और मांगा होता। इस समय इस मौसम में मुझे चाय के अलावा कुछ नहीं चाहिए, बाकी सब मेरे पास है। Let me just call you back.
सर एक मीटिंग है अपना। युवराज जी, कल मैं स्त्री उद्धार एनजीओ से मिलने वाला था, लेकिन मेरी दूसरी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग आ गई है जिसे मैं किसी भी हाल में मिस नहीं कर सकता, इसीलिए स्त्री उद्धार एनजीओ से तुम मिल लेना। छोड़ा है। कल मेरा आखिरी दिन है, कल के बाद मैं नहीं रहूंगी आपको परेशान करने, पीछे पीछे आने, हजार सवाल करने। Honestly, मुझे अच्छा लगता है तुमसे परेशान होना। आपने कुछ कहा? I was saying I have a surprise for you. Surprise? Open it. ये तो बहुत प्रिटी है। I knew you'd like it. ये मैंने खुद चूज किया। I'm sorry, युवराज, पर इतना एक्सपेंसिव गिफ्ट मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकती। काव्या, गिफ्ट का प्राइस नहीं देखते, गिफ्ट के पीछे की इंटेंशन देखते। I totally understand that, युवराज. In fact, मैं आपकी फीलिंग्स की और आपके इंटेंशंस की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन ये गिफ्ट मैं एक्सेप्ट नहीं कर पाऊंगी। मेरी मॉम मुझे हमेशा कहा करती है कि कभी किसी से कोई ऐसी चीज़ नहीं लेना चाहिए जो आप खुद अफोर्ड ना कर सकें। और फिलहाल के लिए तो ये एक्सपेंसिव इयररिंग्स मैं बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकती। प्लीज डोंट गेट मी रॉन्ग युवराज। नो, आई गेट इट एंड आई रिस्पेक्ट व्हाट यू जस्ट सेड। चलो, ये नहीं ले सकती तो ये ले लो। ये पेन मेरे लिए बहुत स्पेशल है, ग्रेजुएशन के दिन पे मेरी माँ ने मुझे दिया था। देखिए, कहते हैं कि जब एक आदमी पढ़ता है तो सिर्फ एक आदमी पढ़ता है, लेकिन जब एक औरत पढ़ती है तो उसके साथ उसका पूरा परिवार पढ़ता है। एज अ यूथ लीडर मेरा स्ट्रांगली ये मानना है कि एक डेवलप्ड सोसाइटी, एक डेवलप्ड कंट्री होने के लिए बहुत जरूरी है कि हम अपनी औरतों को एम्पावर करें। हमें उन्हें मौका देना होगा ताकि वो हिम्मत कर पाए, इंडिपेंडेंट हो पाए, अपने घरों से बाहर निकल के अपने लिए खुद एक नई आइडेंटिटी बनाए। देखिए, हमें ये अबला नारी का टैग हटाना, हमें पूरी दुनिया को ये दिखाना चाहिए कि अगर एक बार एक महिला ठान ले तो वो सब कर सकती है जो एक आदमी कर सकता है, और शायद उससे बेहतर। ये हमारी पार्टी की तरफ से छोटी सी भेंट, फिर मुलाकात जी। सब कुछ ले लिया? कुछ छूट तो नहीं रहा? कुछ था ना हमारे बीच?
something magical and honest. मैं चाहता हूँ अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताऊँ. I don't know about you. युवराज, ये पॉसिबल नहीं है. आप मेरे बारे में कुछ नहीं जानते. और ऐसी बातें जो ना प्रैक्टिकल है ना पॉसिबल है, उन्हें सोचना ही क्यों? आई नो काव्या, तुम ये सब इसलिए बोल रही हो क्योंकि मैं एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड का हूँ, पर आई प्रॉमिस मैं मैनेज कर लूंगा. मैं डैड से बात कर लूंगा. Listen, look at me. I love you. That's how I feel about you. और मैं जानता हूँ तुम भी सेम फील करती हो. Just say it. बोल दो एक बार. मैं प्रॉमिस मैं डैड से हमारी शादी की बात कर लूंगा. शादी बहुत बड़ा फैसला होता है युवराज, और इतना बड़ा फैसला लेने से पहले एक बार हम काव्या को जान समझ तो लें. डैड, मैं वो सब जानता हूं जो काव्या को जानने के लिए मेरे लिए जरूरी है. गलत फहमी है तुम्हें. कुछ बातें ऐसी हैं जिन्हें तुम अभी नहीं जानते. काव्या, तुम्हारी मां का क्या नाम है? सुशीला. नाम और काम में कितना फर्क है. दैट वन सेक, व्हाट इज ऑल दिस? काव्या, अब जब अपनी मां का नाम बता दिया है तो अपने बाप का नाम भी बता दो. क्या बात, बाप का नाम याद नहीं आ रहा? डैड, क्या हो रहा है? डैड, ऑफ कोर्स, नाम बताने के लिए नाम पता भी तो होना चाहिए. तुम्हें नहीं पता है ना अपने बाप का नाम? युवराज, पता है ये अपने बाप का नाम क्यों नहीं बता रही? क्योंकि इसकी मां को भी नहीं पता कि ये उसके कौन से कस्टमर की बेटी है. इसकी मां सेक्स वर्कर है और अपनी उसी कमाई से उसने इसे पाल पोसकर बड़ा किया. और तुम ऐसी बैकग्राउंड की लड़की के साथ शादी? डैड, मुझे सिर्फ काव्या से मतलब है. डैड, मैं काव्या को पसंद करता हूं. तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. और हां लड़की, तुम्हें हमसे जितने पैसे चाहिए उससे दुगने पैसे दूंगा मैं. हमारा युवराज. डैड, आप प्लीज काव्या से ऐसे बात मत कीजिए. देखो युवराज, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें इस लड़की के साथ नहीं रहने दूंगा. बड़ी मुश्किल से मैंने तुम्हें एक युवा नेता की इमेज दी है और तुम इतनी बड़ी इमेज को ऐसी लड़की के लिए बर्बाद करना चाहते हो? दूर रहो उससे. और सुनो, ऐसा भी हो सकता है हमारे किसी दुश्मन ने उसे यहां भेजा हो कि वो तुम्हें फंसा कर, समझ गए ना? बस दूर रहो उससे, वरना अपना सब कुछ खो बैठोगे. नहीं डैड, आई लव हर. और डैड, जो उसकी माँ ने किया, हम उसकी सजा इसको क्यों दे रहे हैं? और डैड, उसकी माँ ने क्यों किया, किस सिचुएशन में किया, ये हमें कुछ नहीं मालूम.
डैड हमें ये देखना चाहिए कि इस सब के बावजूद उसने अपनी बेटी को कॉलेज भेजा ताकि वो पढ़ सके और एक अच्छी इंसान बन सके। डैड हम पूरा दिन यहाँ बैठ के वुमेन एम्पावरमेंट की बातें करते हैं, क्या हम उसे अपने घर पे प्रैक्टिस नहीं कर सकते? देखो युवराज, पॉलिटिक्स में शादी प्यार मोहब्बत के लिए नहीं होती, पॉलिटिकल रिलेशनशिप के लिए होती है। और तुम मेरे इकलौते बेटे हो, मैंने तुमसे कहा ना, उससे ज्यादा कुछ नहीं। अगर उससे ज्यादा तुमने कुछ भी सोचा तो उस लड़की के लिए अच्छा नहीं होगा, समझे? फैसला तुम्हारे हाथ में है। पैसे चाहिए उससे दुगने पैसे दूंगा मैं। पता नहीं क्यों जब भी मैं किसी लड़की के साथ ऐसी बदतमीजी होते हुए देखती हूं तो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाती। सर ये एयरिंग मिला है गाड़ी में। मैंने कहा ना मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप प्लीज थोड़ी देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दीजिए, मुझे ये आर्टिकल फिनिश करना है। काव्या, युवराज,
आप को यहाँ नहीं आना चाहिए, किसी ने देख लिया तो मुश्किल हो जाएगी। आप प्लीज यहाँ से जाइए। क्यों क्यों डरूं मैं? क्या जरूरत है मुझे किसी से छुपने की? क्योंकि युवराज, अगर किसी ने हम दोनों को यहाँ साथ में देख लिया तो आपकी आपके करियर के लिए, आपके फ्यूचर के लिए सही नहीं होगा। मान लिया, लेकिन वो मेरी प्रॉब्लम है, तुम क्यों टेंशन ले रही हो? युवराज, आप समझ नहीं रहे हैं, आप एक पॉलिटिकल फैमिली से बिलोंग करते हैं और आपका यहाँ होना, आप इलेक्शन भी हार सकते हैं। ओके, लेकिन प्रॉब्लम तो वो फिर भी मेरी, तुम क्यों टेंशन ले रही हो? युवराज, क्योंकि आपके पापा ये रिश्ता मंजूर नहीं करेंगे। He will not allow this. लेकिन काव्या, वो भी मेरी प्रॉब्लम है, तुम क्यों टेंशन ले रही हो? Because I love you, युवराज। युवराज, मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी वजह से आपकी लाइफ कॉम्प्लिकेटेड हो जाए, आपका करियर खत्म हो जाए। मेरे लिए मुझसे ज्यादा आप इम्पोर्टेंट हैं, आपका फ्यूचर इम्पोर्टेंट है। I just want to see you happy, युवराज, that's it। बस यही सुनना चाहता था मैं, मेरे लिए इतना बहुत है। तुम्हें पता है, जब तुम मेरे साथ होती हो तो मुझे लगता है मैं किसी भी प्रॉब्लम से लड़ लूंगा। हिम्मत बन गई हो तुम मेरी। I love you. नमस्कार, बैठिए बैठिए बैठिए। युवराज कहाँ है? उसे अच्छे से पता था कि हम आज उसका कैंडिडेशन अनाउंस करने वाले हैं। मैंने उसे कहा भी था कि 9:45 तक यहाँ आ जाना। 11 बज रहे हैं, कहाँ है ये लड़का? सर, मेरी अभी युवराज जी से बात हुई थी, उन्होंने कहा है कि आप कॉन्फ्रेंस शुरू कीजिए, वो रास्ते में है, बस 5 मिनट में इधर पहुंच जाएंगे। आज इतना इंपॉर्टेंट दिन है, कहां फंस गया वो? हाउ इररिस्पॉन्सिबल। आज आप सबको इकट्ठा देखकर बहुत खुशी हो रही है, अब वक्त आ गया है देश की युवा शक्ति को पहचानने का, देश की बागडोर युवाओं को सौंपने का, उनकी विचारधारा, उनकी नई सोच को समझने का, तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा, तरक्की करेगा। आज मैं आप लोगों को एक खुशखबरी सुनाने वाला हूं। देश की युवा शक्ति को ध्यान में रखते हुए मैंने यह फैसला किया है कि इस इलेक्शन में मेरा बेटा युवराज आज अपना कैंडिडेशन भरेगा। युवराज इस साल इलेक्शन में खड़ा होगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक और खुशखबरी सुनाना चाहता हूं। Let me introduce you to my wife.
काव्या युवराज सिंह। क्या बकवास है ये? That politics मेरी professional life है, मेरी personal life नहीं है। ये power, ये सब सब काव्या के बाद आता है। अच्छा डैड, ये मेरी बीवी है और आपकी बहू। मैंने अपना वोट तो तुम्हें दे दिया, तुम मुझे अपना वोट दोगी? और कुछ यू वांट टू से समथिंग टू इट? Thank you.